Good morning students, this is Pradyumna sir again in front of you and here comes with you a new video on the topic of storage device. Okay, in the previous video we are just discussing about the storage device. Okay, but in this video we are just simply get to know about the examples of the storage device in very detail. Okay, so here comes the first example of our storage device, that is hard disk. As I previously give a full information about that hard disk, that it is a very compatible disk that can store up to 8 terabyte of data. Okay, here you can as simply watch this, but nowadays you can also get the 20 terabyte of, or might be much more terabytes of data you can get with the hard disk. Okay, so let's get started with the hard disk. But first of all, those who are new in my channel, just they have to subscribe my channel, press the bell icon so you can get the notification of my video very firstly. So from hard disk, it is the main storage medium of computer. It is made up of collection of disk known as platters. जो हार्ड डिस्क होती है वो एक स्टोरेज मीडियम, कंप्यूटर की एक स्टोरेज मीडियम होती है, यानी कि मेन पार्ट ऑफ स्टोरेज इस हार्ड डिस्क होती है. ठीक है, क्योंकि हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और आपके कंप्यूटर में जो बेसिक स्टोरेज, जो एक मेन स्टोरेज जो डिवाइस होती है वो आपकी हार्ड डिस्क ही होती है, जो इनबिल्ट आपके कंप्यूटर में पहले से ही लग के आती है. इसके बाद दिया गया जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो कई सारी डिस्क, जो जैसे CD होती है और DVD होती है, बिल्कुल वैसे ही कई सारी डिस्क से मिलकर बनती है, और हर एक डिस्क की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है जिससे वो अपना अपना एक उतने अमाउंट तक का डाटा स्टोर कर सकती है. ओके, सो इट इज़ फिक्स इनसाइड द CPU. एज वी ऑल नो दैट दिस हार्ड डिस्क इज जस्ट सिंपली स्टोर इनसाइड द CPU बॉक्स. ओके, बट इन द लैपटॉप इट इज जस्ट सिंपली गेट अटैच्ड विद द मदरबोर्ड. ओके, इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 8 terabyte of data. Nowadays external hard disks are also available which are small in size and can change and can be carried anywhere. यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है वह काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है. इसके अलावा हार्ड डिस्क का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अप टू 8 terabyte है, यानी कि बेसिकली अगर आपको मार्केट्स में अगर आप चेकआउट करते हैं तो आपको 8 terabyte की जो हार्ड डिस्क है वो ईजिली मिल जाएगी. बट If you go through a online shopping, then you can get about 20 terabyte of hard disk. Okay, and they are very small in size and they can store huge amount of data. So you can just simply go through it. Okay, और आप इसको कहीं पर भी, इसमें लिखा हुआ है as the size is very small, then you can carry it anywhere. यानी कि आप इसको कहीं पर भी carry करके ले जा सकते हैं. इसके बाद दिया गया है CD. तो CD के बारे में क्या दिया गया है, CD के बारे में दिया गया है. CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, एंड CD जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि उसका जो फुल फॉर्म है वो कॉम्पैक्ट डिस्क है. इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है. अ CD इज़ अ थिन शाइनी सर्कुलर डिस्क दैट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डाटा एंड मेजर इन 4.7 inches इन डायमीटर. यानी कि जो ये आपकी डिस्क होती है, जो कॉम्पैक्ट डिस्क है CD है, वह आपकी 700 MB डाटा आपका स्टोर कर सकती है. ओके, और इसका जो डायमीटर होता है, यानी कि इसकी लंबाई है, वो 4.7 inches की है, यानी कि फ्रॉम 1 point to another point इसकी जो डायमीटर है वो 4.7 inches है. अ CD कैन होल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, इमेज एंड वीडियो. ओके, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो CD होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, वो आपकी टेक्स्ट यानी कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स, ओके, ग्राफिक्स, साउंड, साउंड मीन्स आपका कोई भी म्यूजिक है, इमेज यानी आपकी फोटो और वीडियो, यानी कि कोई भी मूवी या कोई पिक्चर, यानी अदर पार्ट ऑफ अ वीडियो आप उसको स्टोर करके उसमें रख सकते हैं. ओके, इट कैन बी यूज फॉर डाटा बैकअप एंड होल्डिंग सॉफ्टवेयर. इसका बेसिकली काम सिर्फ इसलिए होता है कि हम इस पर अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बैकअप कर सकते हैं. सपोज़ आप अपने कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, आप उसको इसमें स्टोर करके रख सकते हैं. इन फ्यूचर अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस CD के ज़रिए अपने डाटा का बैकअप ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो
here comes with your new heading and a new headline, that is DVD. Okay, so what is DVD? The full form of DVD is digital versatile disc. ओके इसका जो फुल फॉर्म है वो डिजिटल वर्ड्स ड्राइव डिस्क है या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क भी हम लोग कह सकते हैं. इसके दो फुल फॉर्म्स हैं और अभी तक आपको इस लेसन में जितने भी फुल फॉर्म्स मिले हैं आपको उन सबको रीड करना है और याद भी करना है. ठीक है. इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज फॉर डाटा स्टोरेज एंड फॉर रिकॉर्डिंग मूवीज विद हाई वीडियो एंड साउंड क्वालिटी. यानी यह भी एक आपकी सीडी की तरह एक ऑप्टिकल डिवाइस है बट इसका जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो सीडी से बहुत ज़्यादा है और इसमें आप एक अच्छी वीडियो और साउंड क्वालिटी की आप पिक्चर को या मूवीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं. द स्टोरेज कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 4.7 GB टू 17 GB. यानी जो सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बेसिकली 4.7 GB से लेकर के 17 GB तक होती है. ठीक है. यानी कि अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको बेसिकली जो मूवीज़ की डीवीडीज़ मिलती हैं वो 4.7 GB की होती हैं बट अगर आप परचेज़ करना चाहें 17 GB की तो आपको इसके लिए एक कंप्यूटर स्टोर पर जाना पड़ेगा जहां पर आपको ये 17 GB की डीवीडी आपको ईज़िली मिल जाएगी. इसके बाद दिया गया ब्लू रे डिस्क. अब ब्लू रे डिस्क क्या है? इट इज़ एन न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट कैन स्टोर अप टू 128 GB ऑफ डाटा. यानी कि ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क ही है सीडी और डीवीडी की तरह बट ये सीडी और डीवीडी से कई गुना ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है. ठीक है. इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 128 GB की है. नाउ दिस डिस्क इज़ मेनली यूज फॉर स्टोरिंग हाई क्वालिटी साउंड गेम्स एंड मूवीज डाटा. ओके ये हमारे बहुत ही हाई जो क्वालिटी के गेम्स होते हैं मूवीज़ होते हैं या गाने होते हैं या साउंड जो क्वालिटी हुई बहुत हाई क्वालिटी की उनको स्टोर करने में बेसिकली जब इसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है तो ये वो हर एक बेस्ट क्वालिटी की चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके ईजिली रख सकती है. ये कैपेबल है उस चीज़ को स्टोर करने में. नाउ द नेम ब्लू रे डिस्क इज डेराइव फ्रॉम द ब्लू वायलेट लेज़र दैट इज़ यूज टू रीड एंड राइट डाटा ऑन इट. यानी कि इसका जो ये ब्लू रे डिस्क नाम पड़ा है ये एक ब्लू वायलेट लेज़र से लिया गया है. ठीक है. जिसका यूज़ जो है वो सिर्फ इसलिए है कि हम उस डाटा को ईजिली रीड और राइट कर सकें. रीड मतलब कोई भी डाटा जो उसमें पड़ा है वो हम उसको आसानी से रन करा सकें. ठीक है. और अगर हम उसमें कुछ चेंज करना है तो हम उसमें राइट भी कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर यू कैन सी सम ऑफ द एक्टिविटी जोन दैट यूजिंग अ सी डी एंड अ डी वी डी. तो यहाँ पर आपको बताया गया है सी डी और डी वी डी के कुछ बारे में, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा. इसके बाद आगे दिया गया है फ्लैश ड्राइव. तो फ्लैश ड्राइव के बारे में बताया गया है यहाँ पर. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव एंड द मोस्ट पॉपुलर डाटा बैकअप डिवाइस. यानी कि इसको बेसिकली हम लोग पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं और यह डाटा के बैकअप के लिए सबसे कारगर मानी जाती है. मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आज के टाइम में. मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में सी डी या डी वी डी यूज होती होगी. मैक्सिमम ज़्यादातर सभी लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पेन ड्राइव का. क्योंकि सबसे पहली चीज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं, साइज़ में पोर्टेबल होती हैं, हम इनको कहीं पर भी इजीली ले जा सकते हैं अपनी पॉकेट में डाल के, अपने बैग की चेन में, मतलब जो पॉकेट होती है बैग की उसमें डाल कर भी ले कर जा सकते हैं. ठीक है. तो बेसिकली साइज़ में छोटा होना और कैपेसिटी को मैक्सिमम कैपेसिटी को स्टोर करके रखना, इसी वजह से इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा और ये डाटा को ट्रांसफ़र करने में भी सक्षम है. ये इजीली हमारे हाई क्वालिटी चीज़ों को इजीली एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देती हैं. नाउ इसके बाद दिया गया है इट इज़ प्लग एंड प्ले डिवाइस एंड कैन बी कनेक्टेड टू द USB पोर्ट. यानी कि हम इसको एक प्रकार से प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कह सकते हैं क्योंकि इसको हमें सिर्फ अपने कंप्यूटर के पोर्ट्स में लगाना होता है और पोर्ट में लगाने के बाद हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो उस ड्राइव को, यानी कि हमारी फ्लैश ड्राइव को स्कैन करता है. स्कैन करने के बाद हम इससे अपने डाटा को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके सो इट इज़ अ स्मॉल लाइट वेट एंड रिमूवेबल डिस्क. यानी कि ये एक स्मॉल डिवाइस है, लाइट वेट है बेसिकली. अब आपको पता ही होगा, आप मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में कोई भी ऐसा बच्चा जो फोर्थ क्लास में जिसने अभी तक पेन ड्राइव ना देखी हो. तो पेन ड्राइव का जो बेसिक वजन आई थिंक मुझे नहीं लगता ग्राम्स में होगा. ठीक है. लगभग मान के चलिए 50 ग्राम्स भी ज़्यादा हो गया, आई थिंक अबाउट 30 to 40 ग्राम्स ऑनली.
ओके एंड आफ्टर दैट इसके बाद एक ये रिमूवेबल डिस्क है, क्योंकि हम इसको अपने USB पोर्ट में लगाया, जब हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो गया हम उसको वापस निकाल दिया, ठीक है। नाउ इट इज़ यूज फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, यानी कि हम इसका जो इस्तेमाल करते हैं, सपोज़ मेरे पास कोई फाइल है, एक ऐसा आप एग्जांपल ले लीजिए कि मेरे पास कोई कुछ मूवीज़ हैं या कुछ कार्टून्स हैं जो आपको पसंद आए, आपने मेरे लैपटॉप पर देखे, आपने कहा सर मुझे भी ये चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, तो अपनी पेन ड्राइव लेकर आओ, मैं इसमें इस सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर दूँगा, फिर आप अपने कंप्यूटर में ले जाकर वो सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेना। तो हम बेसिकली इसका इस्तेमाल अपने डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी करते हैं। नाउ अ फ्लैश ड्राइव डिस्क कैन स्टोर अप टू 2 TB ऑफ डाटा। एक फ्लैश ड्राइव की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, यानी कि पेन ड्राइव की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, वो 2 TB की होती है। अभी तक की जो सबसे हैवी कैपेसिटी की जो पेन ड्राइव है वो 2 TB की है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है मेमोरी कार्ड। अब मेमोरी कार्ड के बारे में क्या बताया गया है, अ मेमोरी कार्ड इज़ अ स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइस लाइक मोबाइल, डिजिटल कैमरा एंड म्यूजिक प्लेयर, ठीक है। अब जो मेमोरी कार्ड है वो आपका पेन ड्राइव से भी छोटा है, और इसका काम बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसका जो वेट होता है अबाउट 2 or 3 or maybe 5 grams, नॉट मोर देन दिस, ओके। आफ्टर दिस ये इसका इस्तेमाल से हम लोग मोबाइल्स में कैमराज, जो डिजिटल कैमराज आते हैं, उनके अंदर मेमोरी कार्ड लगाने के लिए, या फिर जो हम लोगों के पास म्यूज़िक प्लेयर होते हैं हम उनमें भी, उनको हम लोग जो मल्टीमीडिया प्लेयर भी बोल सकते हैं, जो आईपॉड्स जो टाइप होते हैं उनमें भी हम लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी ईजली रिमूव फॉर एक्सेस बाय अ कंप्यूटर, यानी हम इनको अपने कंप्यूटर में ईजली लगा करके इससे डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओके, विद ओनली वन गो, यानी कि ओनली एक क्लिक करने पर ही, जैसे कि हमें पूरा फ्लैश ड्राइव में करना होता है वैसे ही हम मेमोरी कार्ड में भी कर सकते हैं, बट मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव से बहुत ज़्यादा छोटी होती है, ठीक है। इसको सिर्फ हमें अपने कंप्यूटर के जो पोर्ट्स होते हैं, मैक्रो एसडी पोर्ट होता है, हमें उस मैक्रो एसडी पोर्ट में इसको लगाना होता है, और इसके बाद जो भी डाटा हमें ट्रांसफ़र करना है हमें उसमें ट्रांसफ़र करने के बाद वापस कार्ड को निकाल कर अपने मोबाइल में, टैबलेट में, जिसमें भी आपको डाटा को, डाटा कार्ड या मेमोरी कार्ड उसको लगाना है, आप लगाइए, आपका सारा का सारा डाटा क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा बहुत ही ईजिली। नाउ दिस डिवाइस ट्रांसफ़र इमेजेस एंड म्यूजिक फाइल इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, ओके। यानी कि ये जो मेमोरी कार्ड होता है ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम से म्यूजिक्स, इमेज, वीडियोस, गेम्स, एनी अदर फाइल, कोई भी किसी भी प्रकार की फाइल, किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आप अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप उसको भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरी कार्ड, ओके। इसके बाद यहाँ दिया गया बाई यूजिंग मेमोरी कार्ड रीडर दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर थ्रू अ USB केबल, ठीक है। हम इसको USB केबल के थ्रू भी अपने कंप्यूटर सिस्टम से अटैच कर सकते हैं, बट बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द CPU देर इज़ अ स्लॉट ऑफ माइक्रो SD कार्ड, ओके। वहाँ पर एक सेक्शन होता है जहाँ पर आप इजीली माइक्रो SD कार्ड को लगा करके आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके CPU में वो पोर्ट नहीं है, वो सेक्शन नहीं है, देन यू कैन जस्ट सिंपली यूज़ अ OTG केबल, ओके। यू कैन ईजली जस्ट सिंपली यूज़ आर डाटा कार्ड, और डाटा कार्ड एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम लोग अपने मेमोरी कार्ड को लगाते हैं और उससे हम अपने अपने डाटा को ईजली निकाल लेते हैं। नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स केम विद इनबिल्ट कार्ड रीडर पोर्ट, यानी कि आजकल जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं, जितने भी CPUs आ रहे हैं, पहले के टाइम का नहीं पता, लेकिन आजकल के जितने भी टाइम के जो पोर्ट्स आ रहे हैं, सॉरी जितने भी टाइप के लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम आ रहे हैं, उन सभी में आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट ये साइड में कार्ड स्लॉट होता है जिसमें आपको अपने कार्ड स्लॉट को लगाना होता है, उसमें आप जैसे ही आप अपनी मेमोरी कार्ड को उसमें इंसर्ट करेंगे, आपका जो मेमोरी कार्ड का जो सेक्शन होगा वो आपकी विंडोज़ पर स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा, आपको जो भी फाइल, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी डाटा आपको ट्रांसफ़र करना है आप इजीली उसको मूव कराइए। अगर आपको परमानेंटली उसको ट्रांसफ़र करना है तो आप उसको कट भी करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उस मेमोरी कार्ड को इजेक्ट कर लीजिए, इजेक्ट मतलब होता है निकाल लेना, ठीक है। जैसे ही आप उसको निकालेंगे
आपका डाटा उस मेमोरी कार्ड में चला जाएगा। अब आप जिस भी कंप्यूटर सिस्टम में उस डाटा को स्टोर करना चाहते हैं, आप उसमें उस मेमोरी स्लॉट को, मेमोरी कार्ड को स्लॉट में डालिए, लगाइए, डाफ्टर दैट फिर से कट कॉपी पेस्ट जो ऑपरेशन होते हैं आप उनका यूज़ करके अपने डाटा को ईजिली बैकअप ले सकते हैं। और आप दूसरे कंप्यूटर में भी उन सॉफ्टवेयर उन फाइल्स का उस प्रकार के डाटा का यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दिस लेसन इज़ टू बी कम्प्लीटेड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर सम पॉइंट्स दैट टू बी रिकैप फॉर यू। ओके, सो यू हैव टू रीड दीज ऑल पॉइंट्स बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दीज आर द होल समरी ऑफ द लेसन, सो यू हैव टू रीड दिस एंड इफ यू आर एबल टू लर्न दीज ऑल देन यू हैव टू लर्न दीज ऑल। ओके, एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन और द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन विल जस्ट सिंपली अपलोडेड टू द गूगल क्लासरूम वेरी सून, सो जस्ट वेट फॉर इट। बट स्टिल आई एम अगेन सेइंग दैट इफ यू आर न्यू व्यूअर इन माई वीडियो देन फर्स्ट ऑफ ऑल इन माई चैनल देन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द लिस्ट सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो वेरी फर्स्टली। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए लिस्ट में से, ताकि आप मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें, ताकि आपको पता चल सके कि सर ने कौन कौन सी वीडियो किस किस टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोज अपलोड कर दी हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक इट्स मोर इनफ फॉर यू फॉर टुडे, गुड बाय।